नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड इन्फोन्यूज यूट्यूब चैनल। दुनिया के वो 13 देश जहां लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ इस्लाम कबूल किया। जी हां दोस्तों, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल को जरूर दबाइए ताकि मेरा हर पहला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आइए जानते हैं पूरी खबर। इस्लाम को लेकर हमेशा दुष्ट प्रचार किया जाता है कि यह एक हिंसा वाला मजहब है और यह लोगों से नफरत रखता है, लेकिन यह किसी को नहीं पता कि यह सच्चा और किसी को नुकसान न पहुंचाने वाला मजहब है। हाँ, कुछ सरफिरे हैं जो इस्लाम के नाम पर गलत काम करने में लगे हैं, जिनकी वजह से हम पूरे मजहब को तो दोषी नहीं ठहरा सकते। अब अगर दो सिखों ने इंदिरा को मार दिया या पूरे सिख समुदाय को तो गुनहगार नहीं कहा जा सकता, या फिर हिंदुओं में साध्वी प्रज्ञा या फिर कर्नल पुरोहित को देखकर पूरे हिंदू मजहब को तो बुरा नहीं कहा जा सकता। कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे सरफिरे लोग जिन्हें मजहब की समझ ही नहीं, ऐसे में मजहब को तो गलत नहीं कहा जा सकता। अगर आपको इस्लाम जानना है तो इसके लिए आपको अल्लाह द्वारा पैगम्बर हजरत मोहम्मद साहब पर नाजिल की हुई कुरान पाक को पढ़ना होगा, जिसे पढ़कर ना जाने कितने ही लोग इस्लाम अपना चुके हैं। कुरान पाक पढ़कर वह लोग भी जो इस्लाम को गाली देते थे, वे खुद इस्लाम मुसलमान हो गए हैं। अभी सऊदी अरब से भी ऐसी खबर आ रही है, यहाँ पर पिछले 6 महीनों के अंदर 13 देशों के नागरिकों ने इस्लाम कबूल किया है। अगर हम अल अरेबिया की वेबसाइट पर देखें तो इसके मुताबिक दावत इरशाद विभाग के निदेशक शेख अब्दुल हकीम अल जाशर बताते हैं कि 1000 गैर मुस्लिमों का इस्लाम कबूल करना दावत इरशाद की बेहतरीन सलूक का फल है। अब्दुल हकीम ने बताया कि दावत इरशाद ने इन 6 महीनों में खैर और फलाह की बशारत नाम के 24 दावत सम्मेलन आयोजित किए हैं, जिसमें 1730 गैर मुस्लिमों ने हिस्सा लिया और उनमें से 106 मर्दों ने इस्लाम कबूल किया है। आपको बता दें कि सऊदी अरब ने गैर मुसलमानों के घर जाकर 122 स्कूल दौरे किए गए और उन लोगों को इस्लामिक साहित्य दिया गया। इस साहित्य और दावत अभियान से 1614 गैर मुसलमानों ने लाभ लिया और 239 इस्लाम कबूल करके मुसलमान हो गए। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए।